हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। देखिए, ये सीमा पाउडर है और इसको हमने छान के और इसमें थोड़ा सा ऑयल मिला के और पानी से मिक्स कर दिया था और आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था। अब इसके बाद इसकी लोई ऐसे छोटे छोटे तोड़ेंगे और फिर इसका गोली बनाएंगे, चिकना चिकना, कहीं से फटा कटा ना रहे, नहीं तो गुलाब जामुन अच्छा नहीं बनेगा। अभी पहले इसको ऐसे छोटी छोटी लोई तोड़ के फिर इसका बॉल बनाएंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड, हमने इसका ऐसे चिकना चिकना गोली बना के तैयार कर लिया है। इसमें 65 पीस निकले हैं एक पैकेट में और अभी इधर चाशनी बना रही हूँ। चाशनी के लिए आप ऐसे गिलास का माप ले सकते हैं। इसी गिलास से मैंने 3 गिलास पानी डाला और 3 गिलास चीनी, यानी 3 पाव पानी और 3 पाव चीनी। और इसे पकाएंगे। इधर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका काला जामुन जल जाएगा। मीडियम आंच में इसे पकाना है। इसे एक एक करके डालना है। देखिए इसका कलर ऐसे लाल होने तक उलट पलट के सेकना है, जब इसका कलर अच्छी तरह से आ जाए और पक जाए तभी तेल से बाहर निकालना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका मीडियम आंच पे। और इधर चाशनी भी पक रहा है। और देखिए अब गुलाब जामुन का कलर कितना अच्छा आ चुका है, कितने अच्छे से पक गया और कलर भी बढ़िया आ गया है। इधर चाशनी भी पक रही है, इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है। और देखिए अब हमारी चाशनी पक के तैयार हो रही है। इसमें हमने छोटा वाला जो हरी वाली इलायची आती है उसको भी कूट के डाल दिया है फ्लेवर के लिए। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और चाशनी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको देखते रहना है, हल्का हल्का चिपचिपा सा हो जाए और हल्का सतार बनने लगे तभी तक पकाना है। देखिए अब हमारी चाशनी पक के एकदम बढ़िया से तैयार हो गई है। इसमें हल्का हल्का से देखिए चिपचिपापन आ रहा है अब, और एकदम बढ़िया से पक चुका है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। इधर गुलाब जामुन भी छन के तैयार हो गया है, बस लास्ट में इतना बचा है। और इधर देखिए सारा गुलाब जामुन बन के तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया और कितना चिकना चिकना बना है। और इधर चाशनी को हल्का ठंडा होने के लिए रख दिया है। हल्का गुनगुना जब रहेगा तब इसमें गुलाब जामुन को डालेंगे ताकि फूटे ना। और अब हमारी चाशनी हल्का गुनगुना रहेगा और अब इसमें सारा काला जामुन को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे कि चाशनी में अच्छे से भीग जाए। और देखिए हमने सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डुबो दिया अच्छे से। अब इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद ये खाने लायक बढ़िया से हो जाएगा। और फ्रेंड, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए, हमें भी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।